हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बी फॉर्मा थर्ड सेमेस्टर का सैंपल पेपर देखने वाले हैं। और आज का हमारा जो सैंपल पेपर है वह है सैंपल पेपर सेकंड। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। तो हम लोग फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का सैंपल पेपर टू देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग तीनों सेक्शन को कवर करेंगे। यह फॉर्मेट आपको एग्जाम के फॉर्मेट जैसा है, तो आपको यहाँ पे भी तीन सेक्शन देखने को मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जैसा वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता था, वैसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके फ्यूचर में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें यह क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसे ही देख कर आप कोई अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और यहाँ पे आपको पहला जो क्वेश्चन पूछा गया सेक्शन ए में वह है राइट डाउन द डिफरेंट यूज ऑफ प्लास्टिक। तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक का डिफरेंट डिफरेंट यूज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वह है राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन के बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट डाउन दी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिल्टर हेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताना है फिल्टर हेड के। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल्टर हेड्स के बारे में बताया गया है, उसके बाद से यहाँ पे आपको एडवांटेज बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक एडवांटेज नहीं पूछा गया है, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एस का यूज किया गया है, यानी एक से ज्यादा एडवांटेज पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज पॉइसलिस इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको पॉइसलिस इक्वेशन के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट डाउन द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एप्लीकेशन बताना है ड्राइंग का, ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन द टर्म फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन द टर्म ड्राइंग विथ इट्स ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव के साथ आपको ड्राइंग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे आपको सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर, तो यहाँ पे आपको ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आपको 7 नंबर के हिसाब से तैयारी कर ले, क्योंकि हो सकता है कि जो फ्यूचर में एग्जाम होने वाला है उसमें 7 नंबर में पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंस बताना है वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेंचुरी मीटर और ओरिफिस के बारे में 6 पॉइंट दिया गया है, जो भी डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन साइज सेपरेशन, तो आपको यहाँ पे साइज सेपरेशन के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। और सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बॉल मिल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपको बॉल मिल के बारे में, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल यूज देखने को मिल जाएगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ स्प्रे ड्रायर, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्प्रे ड्रायर के बारे में आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल में बताना है। यहाँ पे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, वर्किंग मेरिट और डिमेरिट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वर्किंग है, ठीक है, तो वर्किंग में आपको डायग्राम डेफिनेटली बनाना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे रिकवरी ऑफ ड्राई प्रोडक्ट फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यूज और यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चले बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगेट, यहाँ पे आपको परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूगेट के बारे में बताना है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन विद डायग्राम वर्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एडवांटेज या डिसएडवांटेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी का है, और इसमें पूछा गया है डिफाइन द टर्म साइज रिडक्शन, तो यहाँ पे आपको साइज रिडक्शन के बारे में बताना है, ठीक है। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि यूनिट का नाम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल नोट्स ऑन एनर्जी लॉसेस, तो यहाँ पे आपको एनर्जी लॉस के बारे में बताना है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एनर्जी लॉसेस में क्या क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टीम जैकेटेड वेसल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टीम जैकेटेड वेसल के बारे में आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्क्राइब दी फैक्टर इफेक्टिंग ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैक्टर इफेक्टिंग ड्राइंग के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फैक्टर इफेक्टिंग देखने को मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सिग्मा ब्लेड मिक्सचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिग्मा ब्लेड मिक्सचर के बारे में बताना है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट डाउन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ सुपर सेंट्रीफ्यूगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सुपर सेंट्रीफ्यूगे के बारे में बताना है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है डिफाइन दी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करोजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फैक्टर इफेक्टिंग करोजन के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन वगैरह, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे कंडक्शन, प्रिवेंशन ऑफ करोजन के बारे में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है वो भी खत्म होता है। ठीक है, और हम लोगों ने दो सैम्पल पेपर यहाँ पे अभी तक अपलोड कर दिया है, फ्यूचर में हो सकता है कि एक दो और अपलोड किए जाए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम है तो एक बार पढ़ ले, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन के साथ है, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत तो आने वाली है नहीं। ठीक है, सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लीजिए, जिससे क्या हो कि आपका कंसेप्ट और भी बिल्ड हो जाए। ठीक है, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।